आजकल लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या रिसेशन हमें इफेक्ट करने वाला है, क्या रिसेशन आने वाला है। इस सवाल का जवाब लोग बहुत ढूंढ रहे हैं। तो इस सवाल का सीधा जवाब है कि हाँ, रिसेशन हमें इफेक्ट तो करने वाला है। क्यों करने वाला है? उसका रीज़न ये है कि इस लॉकडाउन के टाइम पे कंपनीज अपना काम नहीं कर रही हैं, जो भी उनके प्रोफेशन है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, और उनको अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड करानी है, ये भी रूल्स में मेंशन किया गया है। तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? जब ये लॉकडाउन पीरियड खुलेगा, जब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, और जल्दी ख़त्म होनी चाहिए, जब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी तब कंपनीज खुलेंगी, अपने ऑपरेशंस करेंगी। लेकिन जिन एम्प्लॉय बेस के साथ ये काम कर रही थी, जितनी संख्या में इनके पास एम्प्लॉयज़ थे, उनको सैलरी प्रोवाइड कराने के लिए इनके पास उतना टर्नओवर नहीं होगा, उतना पैसा नहीं होगा। रिजल्ट क्या होगा? ये कंपनीज अपने एम्प्लॉयज की छटनी करेंगी। इसमें उनका कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट ऐसा ही होने वाला है। एम्प्लॉयज छटनी किए बिना वो अपने वापसी नहीं कर सकती हैं, वो अपने खर्चे उतनी अच्छे तरीके से नहीं उठा सकती। दूसरी बात आती है, रिसेशन किन किन लोगों को इफेक्ट करने वाला है, रिसेशन से कौन कौन से लोग इफेक्ट होने वाले हैं। तो रिसेशन से एक चीज़ मैं बता दूँ, छोटे बिजनेस इफेक्ट नहीं होने वाले हैं और वो कभी भी नहीं होंगे। कुछ हद तक बिजनेस इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन छोटे बिजनेस को इसलिए इफेक्ट नहीं आएगा, छोटे बिजनेस मोस्टली आदमी के बेसिक्स की चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। बेसिक्स क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये बेसिक्स हमेशा चलते रहेंगे, इनमें रिसेशन आएगा भी तो बहुत थोड़े टाइम के लिए आएगा, बहुत कम इफेक्ट के साथ आएगा, क्योंकि ये सब खत्म होने के बाद जब आदमी अपने बेसिक्स के लिए जाएगा तो इनकी सेल दोबारा राइज करेगी, दोबारा होगी, और उसे प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो छोटे बिजनेस तो इससे अछूते रहेंगे, उनको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात आती है बड़े बिजनेस की, बड़े बिजनेस कितना इफेक्ट होंगे इससे? तो सच्चाई ये है कि बड़े बिजनेस इससे इफेक्ट होंगे। ऑटोमोबाइल की सेल गिरेगी, टू व्हीलर्स की सेल गिरेगी, और जितनी भी आदमी की लग्जीरियस चीज़ें हैं, जो लग्जीरियस नीड कही जाती हैं, उनकी सेल ज़रूर इफेक्ट करेगी। अगली बात आती है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इससे मोस्टली इफेक्ट होने वाली हैं। तो पहली इंडस्ट्री है आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि हर रिसेशन का इफेक्ट सबसे पहले आईटी इंडस्ट्री पर आता है। आईटी हमेशा एक कॉस्ट सेंटर रहा है, आईटी से आदमी को बिजनेस करने में हेल्प मिलती है। आईटी कोई प्रॉफिट जनरेट करने का मीडियम नहीं रहा है, आईटी से कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होता, बल्कि आईटी एक कॉस्ट सेंटर है। आईटी में आदमी खर्च करता है तो उसका टाइम बचता है, इनडायरेक्टली वो प्रॉफिट जनरेट करता है, पर डायरेक्टली कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं करता। सॉफ्टवेयर और आईटी की डिमांड, आईटी सर्विस की डिमांड कम होने वाली है रिसेशन के बाद, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आईटी एम्प्लॉयज पे आएगा, और मोस्टली इंडिया में आईटी सेक्टर ही है, आईटी सेक्टर में ही लोग मोस्टली काम करते हैं। अब इससे बचना कैसे है? तो इसका आंसर ये है, इससे पूरी तरह बचा तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, इससे सावधानी रखी जा सकती है। अगर आप अपने स्किल्स पर काम करते हैं, जो आपको लॉकडाउन पीरियड मिला है, आप पूरी तरह से अपने स्किल्स पे काम करिए। अपने काम के अलावा जो आप अदर स्किल्स भी अपने आप में डेवलप कर सकते हैं, उन स्किल्स को डेवलप करिए। आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब पर अच्छा खासा नॉलेज है, आप अच्छे खासे नॉलेज ले सकते हैं। तो अपने स्किल्स पर काम करिए, ना कि इस समय को बर्बाद करने। इन स्किल्स पे काम करके आपको फायदा क्या मिलेगा? जब आप अपने स्किल्स पे काम करेंगे तो आप जब जॉब पे वापस जाएंगे तो आप एक नए स्किल के साथ काम करने लगे। बाकी लोगों के कंपटीशन में, बाकी एम्प्लॉयज के कंपटीशन में आपकी जॉब बचने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप अच्छा काम कर पाएंगे, आपके पास अच्छे तरीके होंगे काम करने के, आप अपने काम के नए सजेशंस लोगों को दे पाएंगे, इसलिए आपके जॉब बचने के चांसेस भी ज्यादा बनते हैं। और अगर आपकी जॉब चली भी जाती है तो क्योंकि आप अपने स्किल्स डेवलप कर चुके हैं, ये सब सिचुएशन सही होने के बाद आप अपने स्किल के साथ अपना काम कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छी जॉब में दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एक ना एक दिन रिसेशन की स्थिति खत्म होती है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। रिसेशन आता है और आता रहेगा, पहले भी आया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें हमें रुकना है, थक जाना है, इससे हार नहीं माननी है। दूसरा रास्ता ये है कि आप अपना काम करिए, आप अपने स्किल्स को डेवलप करके अपना काम कर सकते हैं।
मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपको जॉब से निकाला जाता है और ये हो सकता है, इसके चांसेस बनते हैं, तो आप अपना काम करिए। आप किसी भी सेक्टर में, अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी डाल सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में हैं आप तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो अब से टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने टाइम का भरपूर यूज़ करना है। जो टाइम हम सोचा करते थे कि हमें मिल जाए, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, एक्चुअली वो टाइम मिला है हमें अभी, तो हमें उसका भरपूर यूज़ करना चाहिए, अपने आप पर काम करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दीजिएगा। अभी के लिए गुड बाय।